चलिए जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट में अपने जिले या गांव का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। उत्तर प्रदेश के बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में स्कूल की छुट्टी बढ़ी। शीतलहर ने पूर्वी यूपी को किया बेहाल। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया है। आज पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं चुर्क और कानपुर दोनों स्थानों का तापमान 2 डिग्री रहा। बता दें कि आज बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर में स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। इसके पहले दोस्तों शुक्रवार को कई जिलों में रविवार तक छुट्टी घोषित हुई थी। माना जा रहा है कि उन जिलों में भी सोमवार से फिर से छुट्टी होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का लगा पहला हेल्थ एटीएम। 3 से 5 मिनट में होंगी 50 प्रकार की जांच। जी हाँ दोस्तों, बताने की उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हेल्थ एटीएम का फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें दोस्तों कि इससे 3 से 5 मिनट में 50 से अधिक पैरामीटर, विजन, प्रोटीन, यूरिन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, ब्लड ऑक्सीजन की कम कीमत पर जांच हो सकेगी। 33,000 से ज्यादा किसानों को योगी सरकार की सौगात, कर्ज माफी का शासन आदेश जारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने का शासन आदेश जारी हो गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अभी वाराणसी में इस बारे में जानकारी दी। कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत लाखों किसानों के कर्ज माफ हुए। उस दौरान किन्हीं कारणों से छूटे गए 33,408 किसानों के भी 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री बोले, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ पश्चाताप यात्रा निकाले राहुल गांधी। जी हाँ, बताने की उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और उनके नेतृत्व में देश में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे समय में राहुल गांधी की यात्रा बस राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति है। यूपी में कांग्रेस का जन आधार खत्म हो गया है, इसलिए राहुल गांधी केरल की राजनीति कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करें। बर्थडे पार्टी में गए 5 साल के बच्चे ने निगला चुंबक, लोहिया अस्पताल दौड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जी हाँ, बताने की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए एक बच्चे ने चुंबक निगल लिया है। बच्चे के गले में दर्द होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हुई तो वह सीधे लोहिया संस्थान दौड़ पड़े। दरअसल लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी एक 5 साल के बच्चे ने चुंबक निगल लिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड का कहर जारी, पारा 2 डिग्री पर पहुंचा, 34 और लोग चल बसे। जी हाँ दोस्तों, बताने की उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड का कहर जारी है। यहाँ पर सर्दी ने कुल्लू, मनाली, शिमला और मसूरी को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ रात का पारा 2 डिग्री पहुंच गया है। अधिकतम तापमान भी 13.2 डिग्री हो चुका है। कानपुर के आसपास के जिलों में भी सर्दी की कहर ढा रही है। इसके कारण कानपुर और आसपास के जिलों में 34 लोगों की हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक से जान चली गई है। इससे पहले ही दोस्तों बताने कि 3 दिनों में लगभग 63 लोग चल बसे हैं। आगरा, बाराबंकी, हरदोई समेत यूपी के 15 जिलों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा फैसला। जी हाँ, बताने कि पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रोगियों को भर्ती के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे रोगियों के लिए जिला स्तरीय चिकित्सालय में पहली एक्टिव केयर वार्ड बनेगा, जिसमें पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान रोगियों को भर्ती किया जा सकेगा। इसके लिए मरीजों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं चुकाना होगा। बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 15 जिलों में पहली एक्टिव केयर वार्ड का संचालन किया जा रहा है। इसमें उन रोगियों को भर्ती किया जाता है जो पुरानी व जटिल बीमारी से जूझ रहे हैं। छोटे शहरों में पानी आने के लिए घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, क्या व्यवस्था करने जा रही यूपी सरकार, आप भी जानें। जी हाँ दोस्तों, अभी भी उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पानी का इंतजाम नहीं है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत यानी छोटे शहरों में अब लोगों को घंटों पानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार यहां रहने वालों को भी भरपूर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराने जा रही है। बताने की अमृत 2 में पेयजल आपूर्ति की 166 परियोजनाओं के लिए 8,141.3 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। बताने की प्रदेश के छोटे शहरों में अभी सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही। इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और जल्द से जल्द यहां पर काम शुरू होगा।
अयोध्या श्री राम मंदिर गर्भगृह से लेकर शिखर तक होगा स्वर्ण जड़ित, चांदी के दरवाजे बिहार से सोना, काशी मठ से आ रहा है रजत। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य मंदिर का गर्भगृह से लेकर शिखर तक स्वर्ण जड़ित होगा। अब इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मुहर लग गई है। बिहार के पटना स्थित महावीर ट्रस्ट के प्रस्ताव पर ट्रस्टियों की आम सहमति बन गई है। यही नहीं, मंदिर का सिंह द्वार भी चांदी की चमक बिखरेगा। यह जिम्मेदारी उठाने के लिए हरिद्वार स्थित काशीमठ के पीठाधीश्वर स्वामी संयमम तीर्थ महाराज के अनुयायी सामने आ रहे हैं। हम पर योगी जी का आशीर्वाद, संजय निषाद ने बताया कि इन लोगों को चुनाव निकाय में लड़ाएगी भाजपा। जी हाँ, बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी नगर निकाय चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। योगी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि जो कार्यकर्ता लड़ने लायक हों और जनता उन्हें पसंद करती हो, उन्हें पार्टी लड़ाएगी। वहीं बता दें कि उन्होंने यह जानकारी खलीलाबाद में डीढ़ा बाईपास स्थित एक मैरिज हॉल में पत्रकार वार्ता में दी है। उत्तर प्रदेश में याकूब कुरैशी की बढ़ेंगी और मुश्किलें, बागपत कोर्ट में भी किया जाएगा पेश, पीएम मोदी से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी होने पर पुलिस अब उसको बागपत भी लेकर आएगी। याकूब कुरैशी ने चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस मामले में वह फरार चल रहा था, जिसको अब भी वारंट पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 से 21 जनवरी तक कैंसिल रहेंगी वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस जाने वजह। जी हाँ दोस्तों, जयपुर मंडल के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग कार्य के चलते वाराणसी सिटी और जोधपुर के बीच चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस 9 से 21 जनवरी के बीच निरस्त रहेंगी। बताने को उत्तर रेलवे में लखनऊ मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने यह जानकारी दी है। सावधान, आपके छोटे बच्चे पर भी हो सकती है बदमाशों की नजर, इन बातों का रखना होगा ख्याल। जी हाँ दोस्तों, सावधान, छोटे बच्चे बदमाश के निशाने पर हैं। शिकोहाबाद मतलब फिरोजाबाद की बात करें तो हुई वारदात के बाद से आपको अलर्ट रहना होगा। यहाँ बेटी की चाहत में आरोपी ने 5 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया। उत्तर प्रदेश की आगरा में जैतपुर क्षेत्र से आरोपी पकड़ा गया, वहीं बच्चा सकुशल मिल गया है। बता दें दोस्तों कि इस वारदात ने नवंबर में शाहगंज क्षेत्र के दुरैठा नंबर 2 में हुई वारदात ने ताजा कर दिया है। 2.5 वर्षीय मैंग का अपहरण घर के बाहर से हुआ, पुलिस ने उसे वृंदावन से मुक्त कराया था। माफिया मुख्तार अंसारी एक बार फिर बांदा जेल से लखनऊ तलब, बंदी को पीटने के मामले में गवाही पूरी। जी हां, बता दें कि मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बांदा जेल से लखनऊ लाया जाएगा। बताने की लखनऊ की जिला जेल में बंदी चांद को मारने पीटने और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजीएम अमरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बयान के लिए 13 जनवरी को तलब किया है। उत्तर प्रदेश के इन छात्रों को हर महीने 12,000 रुपए देगी योगी सरकार, ये है यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बता दें कि टीचिंग असिस्टेंट स्कॉलरशिप योजना लागू करने वाली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके तहत सभी चयनित शोधार्थियों को हर महीने 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इससे शोधार्थी अपना गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य करेंगे और संबंधित विभाग में कक्षाएं भी लेंगे। पीएम मोदी के साहसिक फैसले का मुरीद ये वकील, कर दी भारत रत्न की मांग, लिखा 20,000 पेश का आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न अंतिम बार 2019 में 3 लोगों को मिला था। बता दें तो इस साल की किन हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा यह तय नहीं है। इस बीच वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग उठी है। अधिवक्ता नित्यानंद चौबे ने इस मांग से संबंधित करीब 20,000 पेश का आवेदन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है। क्या दोस्तों आप भी यही चाहते हैं कि पीएम मोदी को भारत रत्न मिले, कमेंट जरूर करें। गोरखपुर, आगरा और बरेली में सोने के दाम में उछाल, जाने चांदी के रेट। जी हां, बता दें कि भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए गए हैं। कानपुर, गोरखपुर, आगरा और बरेली में सोना के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि गोरखपुर में चांदी के रेट स्थिर रहे। बता दें दोस्तों कि कानपुर में सोना और चांदी के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 55,050 प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,800 प्रति किलो रही।
2024 के चुनाव से पहले देश खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर उठाए गए कदमों के कारण नक्सली घटनाओं में कमी आने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का प्रयास है कि 2024 के आम चुनाव से पहले देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। दोस्तों, आप भी भारत माता से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के चलते कक्षा 1 से लेकर इस जिले में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद, विभाग ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोहरे और ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को जरूर दबा लें।